ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव कहे होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था, तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि कभी हमने कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहां दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का